चलें और परमानेंट ए जोन में ही रहें, है ना। शुरू करते हैं शास्त्रों में वर्णित एक प्रसंग से, सत्य प्रसंग से। एक बार एक ब्राह्मण के पिता का देहांत हुआ, गरीब निर्धन ब्राह्मण, उसके पिता का देहांत हुआ। उसका प्रबल उसकी मंशा कि मेरे पिता का अंतिम संस्कार मैं चंदन की लकड़ियों से करूं, पर उसका सामर्थ्य नहीं था। वो दौड़ा दौड़ा युधिष्ठिर के, राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचा, अपनी कथा सुनाई कि मेरी मंशा चंदन की लकड़ियों से अंतिम संस्कार करने की है, पर मेरा सामर्थ्य नहीं है, मुझे चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था करवा दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा कि ब्राह्मण देवता बैठिए, अभी आपके लिए चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था हो जाती है। दूत भेजा, अपना दूत भेजा चंदन की लकड़ियां लाने के लिए। एक घंटे बाद दूत लौटा और उसने कहा कि महाराज, बाहर बहुत तेजी से बरसात हो रही है, चंदन की लकड़ियां सारी भीग चुकी है, जलाने के काम नहीं आ सकती, इसलिए व्यवस्था नहीं हो सकती। युधिष्ठिर ने उस ब्राह्मण देवता से कहा कि मेरी तो प्रबल मंशा थी आपको चंदन की लकड़ियां दूं, पर आपने सुना कि बाहर तेज बरसात है, इसकी व्यवस्था नहीं हो सकती, मैं आपसे माफी चाहता हूं। वहां से उठकर ब्राह्मण सीधे कर्ण के दरबार में पहुंचा, अपनी बात बताई। कर्ण ने कहा कि ब्राह्मण देवता बैठिए, अभी आपके लिए चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था कर देते हैं। अब कर्ण को यह अच्छे से पता था कि बाहर तेज बरसात है, चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था नहीं हो सकती, लेकिन मेरा सिंहासन चंदन का है तो इसे लकड़ियां दी जा सकती है। उठाया, काटा, बंडल बनाया और दे दिया। अब नारायण शास्त्र कहता है, अशास्त्र कहता है कि इस प्रसंग के बाद कर्ण के नाम के आगे से डिग्री लगी, डॉक्टर सुवंसो, सीए सुवंसो, कर्ण के नाम के आगे डिग्री लग गई, दान वीर कर्ण। अब नारायण शास्त्र कहता है कि ये बात, कर्ण ने दान दिया चंदन की लकड़ियों का, ये बात युधिष्ठिर तक पहुंची होगी कि नहीं पहुंची होगी? पहुंची होगी, है ना। जब उसके पास ये समाचार पहुंचा होगा तो उसके मन में भी आया होगा ना कि मुझे क्लिक नहीं हुआ, मेरा सिंहासन भी तो चंदन का था, मैं भी तो दे सकता था। अब अगली बार जब कभी ऐसा रहा तो युधिष्ठिर चंदन क्या सिंहासन से चंदन की लकड़ियां देगा कि नहीं देगा? चलिए पक्का। अब ऐसा ही प्रसंग दो चार आपके सामने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी को अच्छा कार्य करते देख हमारे मन में भाव आता है, ये काम तो मैं भी कर सकता था, मैं भी कर सकती थी, पर मुझे क्लिक नहीं हुआ। तो ऐसे कुछ प्रसंग आप तक है। हम एक बार मराठी पर मराठी प्रवचन सुन रहे थे यूट्यूब पर। उस मराठी प्रवचनकर्ता ने कहा कि मैं टीवी पर एक दिन आशा भोसले जी का इंटरव्यू देख रहा था। आशा भोसले उस वक्त 80-85 वर्ष की, उनका इंटरव्यू देख रहा था और 35 साल का लड़का उनका इंटरव्यू ले रहा था। उस इंटरव्यू कर्ता ने उनसे, आशा भोसले जी से पूछा कि आज आपके पास नेम, फेम, मनी सब कुछ है और बहुत है, आपके पास भी है, आपके परिवार के पास भी है, तो निश्चित है कि आपने बहुत मेहनत की होगी, आपने बहुत मेहनत की होगी, इसलिए आपके पास ये सारा कुछ आपने हासिल कर रखा है। आशा भोसले जी का उत्तर ध्यान से सुनिएगा। उनका उत्तर था, हाँ मेहनत तो की, मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, हमने मेहनत की और मेहनत बहुत लोग करते हैं, लेकिन हमको जो हासिल है नेम, फेम, मनी, आज सबको नहीं मिला हुआ, उसका एक विशेष कारण उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि लता दीदी, लता मंगेशकर जी ने कहीं पर सुन रखा था या पढ़ रखा था कि माता पिता के चरण धोकर पीते हैं तो नेम, फेम, मनी मिलता है। लता जी ने ठान लिया कि मुझे मेरे माता पिता के चरण धोकर पीना है ताकि ये नेम, फेम, मनी मिले। पर ये भी पता था कि पिताजी
पैर धोने नहीं देंगे। वो मौके की तलाश में थी। कहते हैं कि एक दिन दोपहर के वक्त उनके पिता पलंग पर सोए हुए थे, पैर उनके बाहर की ओर निकले हुए थे। जो ही लता जी का ध्यान गया, दौड़ कर एक बर्तन लेकर आई, जल डाला और उस बर्तन में लोटे से पैरों पर जल डाला, नीचे जल जमा हुआ, वापस लोटे में भरा और हम सब भाई बहनों ने पिया। उसकी वजह से आज हमें सब हासिल है। जब पानी जल डाला अपने पिता के चरणों में, पिता झटके से उठे, क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं कर रही, मालिश कर रही हूँ। पर आशा भोसले जी ने कहा कि वो जल हम सब भाई बहनों ने पिया, नतीजा ये कि आज हमारे पास सबके पास नहीं थे मनी है। मेहनत हम कर रहे हैं वो निश्चित है, आज सबके पास नहीं थे मनी है। ये तो शास्त्र कहता है कि चरण धोकर पीने से आपको एजोन मिलता है। नारायण शास्त्र क्या कहता है? नारायण शास्त्र कहता है कि आप पैर धोकर पीते हैं या नहीं पीते हैं उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपने माता पिता की कद्र करें, केयर करें, उनकी बात सुने, उनकी बात माने, तो आप ए जोन के अधिकारी बन सकते हैं। अब आ रहा है कि रिसर्च चल रहा है, रिसर्च कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रखा है हमने विद्यार्थियों का, है ना? क्योंकि कई विद्यार्थी हमारे पास आते हैं, उनका ये कहना होता है कि हम फोकस नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई नहीं कर पाते, एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाते। उस क्या प्रश्न आता है उनका कि हम अपने आप को फोकस नहीं कर पाते हैं, टिक कर नहीं बैठ पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। उन पर हमने रिसर्च किया, जो रिजल्ट हमारे पास आया है वो आप तक पहुंचाते हैं। हमने उनसे कहा कि जब माता पिता से आप बात करते हैं, आपको आदर के साथ करना है। जो ही आप उनका अनादर करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन आपका हिल जाता है। उनसे कहा ये चीजें आपको करनी है ताकि आप एकाग्रता से पढ़ाई कर सकें, जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं वो पा सकें, हासिल कर सकें। तो उनसे कहा कि जब मोबाइल पे घंटी बजती है और आपने स्क्रीन पे देखा कि आपकी माँ या पिता का फोन है, तो कई बार आप अनादर घंटी दबा देते हैं, बात नहीं करते हैं उनसे, डिसरिस्पेक्ट करते हैं। आप फोन उठाएंगे और उनसे रिस्पेक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज रिस्पेक्ट की होनी चाहिए उनसे बात करते वक्त। ये दो चीजें जब उनसे बताई, करवाई, बच्चों में जबरदस्त परिवर्तन आए हैं, जबरदस्त। जब सुनते हैं क्योंकि कदर करते हैं, केयर करते हैं, और जब फोन आया रिस्पेक्टफुली उठाते हैं, सच बोलते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ और इतनी देर में मैं घर पहुँच जाऊँगी, उसके बाद बच्चों में जबरदस्त परिवर्तन आया है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई नहीं कर पाते, आप काम नहीं कर पाते हैं, आप ये करके देख सकते हैं, आपको जबरदस्त परिवर्तन महसूस होगा, जबरदस्त। पहला प्रश्न हमारा था माफ करने का, जिसके भीतर ये पॉजिटिव एनर्जी, जिसमें ए जोन भरा हुआ है। सेकंड, आप शब्दों की कीमत अहमियत समझ गए कि नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करके तो क्या अवस्था, क्या व्यवस्था। फिर असफलता को सफलता में कैसे कन्वर्ट करें आपने जाना। जो भी प्रसंग आपके जीवन में घटित होता है, आपके कल्याण के लिए, आपके भले के लिए, आपके अच्छे के लिए घटित होता है। जब ये भाव प्रबल आपके भीतर, तो सफलता आपकी निश्चित है। ईर्ष्या का भाव जब भीतर आता है, किसी को निरंतर आगे बढ़ते हुए देखते हुए, तब आपको कौन सी तकनीक अपनानी है वो बता दी गई। ईमानदारी का आपके जीवन में कितना महत्व है, आपके शब्दों का कितना महत्व है, ये सारा कुछ आपने जाना। अब आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज योर आईज। जो विद्यार्थी है, अब एक भजन बजेगा, गीत बजेगा, अब एक गीत बजेगा। जो विद्यार्थी है वो बंद आंखों से अपने माता पिता को विजुलाइज करेंगे, और जो पेरेंट्स हैं बंद आंखों से अपने बच्चों को विजुलाइज करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, बच्चे बड़े सभी लोग, और जो बच्चे हैं उन्हें अपने माता पिता को विजुलाइज करना है।
जो बड़े हैं उन्हें अपने बच्चों को विजुलाइज करना है। बातें मत कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। हाँ स्टार्ट। जब हमने मौका लिया विद्यार्थियों से बात करने का, आप सभी से बात करने का, बहुत बहुत धन्यवाद। एनआरएसपी ट्रस्ट कुछ उन सभी लोगों को सम्मानित करना चाहता है जिनकी वजह से आज का ये सत्संग आयोजित हो सका। तो यदि नाम लेना चाहते हैं तो सबसे पहले नाम लेना चाहते हैं श्री पीके गुप्ता जी का, ये उनसे अनुरोध तो स्टेज पे आए, अनुरोध करेंगे श्री वाईके गुप्ता जी और उनकी धर्मपत्नी भावना जी से कि प्लीज आप भी स्टेज पे पधारें।